नमस्ते, वेलकम बैक। सो अभी हम आज बात करने वाले हैं गैसेस लॉ के बारे में। गैसेस के तो रूल्स आप पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एंड गेलोसेक्स लॉ, राइट। सो इसके रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज है, लेबोरेटरी नहीं है, सो यू आर वेलकम टू माई किचन। ओके, मेरे किचन में से हम एक्टिविटी करने वाले। द फर्स्ट हैक इज दिस। ओह सर, कैसे ये कैसे किया आपने? मतलब बॉटल के अंदर देर इज अ बलून। यस, देर इज अ ब्लोन बलून इन द बॉटल दैट यू कैन सी वेरी इजिली। यस, अब सवाल ये कि सर आपने कैसे किया, राइट? तो पहले ये समझ लेते हैं, हमारे पास में एक बॉटल है, बराबर है। ये बॉटल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये रहा मेरे पास में बलून भी है। आप कोशिश कर लो, आप घर पे इसके अंदर पानी भरा है तो मैं इसको फोड़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं करने वाला। माय मॉम इज गोना किक मी ऑफ अदरवाइज। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्यूटीफुल सा ऑरेंज कलर का बलून है, इसको ब्लो कर देते हैं हम लोग और इसको कोशिश करते हैं हम लोग इसके अंदर भेजने की, ठीक है? और डू यू थिंक इसमें जाने वाला है ये? ये तो नहीं जा रहा है, कैसे जाएगा? ऑलराइट, सो दिस इज नॉट गोइंग टू गो इनसाइड लाइक दैट। सो देयर इज अनदर एक्टिविटी दैट यू कैन डू इज दिस। हम क्या कर सकते हैं, बलून को यहाँ लगा देते हैं, राइट? और अब मैं इसके अंदर हवा भरने की कोशिश करता हूँ, राइट? सो लेट अस ट्राई टू ब्लो दिस। आई एम नॉट एक्टिंग, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट दिस इज नॉट पॉसिबल। बराबर, ये आप उसको ब्लो नहीं कर सकते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अंदर की जो एयर है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस। सो अगर आप जो यहाँ से हवा भर रहे हो ना, जब तक अंदर की जो दूसरी हवा है वो बाहर नहीं निकल जाती, तब तक ये ब्लो नहीं हो सकता है। सो दैट्स द फंडा। आप इसको फुगा के अंदर नहीं डाल सकते, ना ही आप अंदर डालने के बाद इसको फुगा सकते हैं। बराबर, आई विल डू समथिंग नाउ। अबरकडबरा गिली गिली छू। Can you see? Oh wow, sir! ये तो बलून अंदर है, आ गया। Yes, ये बलून पूरी तरह से अंदर है। और ना सिर्फ इतना, इसके अंदर देखो, it is all open। फिर भी यहाँ से air बाहर नहीं जा रही है। मैं इसके अंदर कोई भी चीज अंदर भी डाल सकता हूँ, ये देखो। Yes, still air is not coming out। Still air is not coming out। Alright, so मैं इसके अंदर पानी भी भर सकता हूँ, और पानी भरने के बाद में आप इसको easily नॉट लगा दीजिए, तो ये नॉट लगाने के बाद में अपने आप अंदर चला जाएगा। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज, सर आपने किया कैसे? हाउ डिड यू डू दैट? ऑलराइट, सो इट्स वेरी इजी टू डू। बराबर है, ये मैंने यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने एक हैक किया हुआ यहाँ पे, और वो हैक है दिस। इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर मैंने कब से अपना अंगूठा दबा के रखा है, एंड देयर इज वन स्मॉल होल। ओके, जैसे ही मैंने होल खोल दिया, हवा अंदर चली गई, और देखो बलून वापस से जैसा था वैसा हो गया। अगर इस होल को मैं दबा के रखता हूँ और फिर, तो अंदर की एयर को बाहर जाने की जगह नहीं मिली, इसके लिए बलून ब्लो नहीं होएगा। बराबर है, क्योंकि अंदर का प्रेशर और मेरा प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो वो ब्लो ही नहीं होने देगा। बट व्हेन दिस हैंड इज रिमूव्ड, फिंगर मैंने रिमूव कर दिया वहां से, दैट्स इट। अब मैं इसके अंदर पानी भर सकता हूँ, और पानी भरने के बाद में इसको आप गार्ड बांध दीजिए, आपका फुगा इस तरह से रेडी हो जाएगा। है ना आसान, मजेदार? सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दी यू नो प्रेशर, कि प्रेशर वो एयर प्रेशर एग्जैक्टली कैसे काम करता है। अभी सिमिलरली कैसा एक और लॉ है गैस लॉ के रिलेटेड, दैट इज बॉयल्स लॉ, इन विच वी से दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ऑलराइट, तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लंजर लिया हुआ है, होप यू नो दिस इज इंजेक्शन लगाने के लिए। ये तो बहुत बड़ा है, 50 ml का। ऑलराइट, तो ये प्लंजर के अंदर आपको क्या करना है कि इसके अंदर आप एक छोटा सा बलून, जो फूटे हुआ बलून रहता है ना, उसको मैंने इसमें रीयूज़ करते हुए इसके अंदर भर देना है, ठीक है? इसको मैंने अंदर डाल दिया है। ऑलराइट, और इसकी वॉल्यूम हम देख रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 10 ml के आसपास तक है। ऑलराइट, यू कैन सी दैट? यस, दैट्स इजी। नाउ अब मैंने क्या करना है, ये जो इसका, अरे भाई हाँ, अभी इसका जो आगे का जो मुख रहता है उसको आप बंद कर दीजिए, और फिर इसको आप यहाँ से प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। नाउ व्हेन आई ट्राई टू प्रेशराइज, जस्ट ऑब्जर्व वेरी केयरफुली व्हाट हैपेंस। ओके, डिड यू जस्ट नोटिस इट इज ग्रोइंग स्मॉलर, आई मीन गेटिंग कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम ऑल द साइड। ऑलराइट, एंड
इसको प्रेस करके आपको दबाना रहेगा. यू कैन सी द वॉल्यूम चेंज ऑल्सो, सी कितना कम हो गया है. नाउ इट इज नॉट दैट 10 ml, पर इनिशियली पूरा 10 बता रहा था, लेकिन अभी देखिए 10 से काफी कम हो गया है. पहले वाले में देखो, जब मैं हटा लेता हूँ तो 10 के ऊपर जा रहा है. और इट जस्ट ऑब्जर्व द मार्किंग केयरफुली, इट इज मोर देन 10, ऑलमोस्ट 15 तक मार्किंग तक ये जा रहा है. लेकिन जब मैं इसे कॉम्प्रेस कर रहा हूँ तभी आप देखिए इट इज गोइंग बिलो 10. राइट, चेक दिस आउट अगेन. अभी 15 तक है और गया. Alright, a very simple and small activity to understand the Boyle's law. Similarly, आप रिवर्स भी कर सकते हैं. मान लीजिए आपने ऐसे रखा हुआ है, राइट? सो यू कैन सी व्हाट्स द वॉल्यूम. नाउ व्हेन आई एम ट्राइंग टू रिमूव द एयर, मतलब मैं प्रेशर को जब कम कर रहा हूँ, प्रेशर को कम करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. यस, प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस. लेट्स चेक इट आउट. सी इट गोज अप टू 20. और इसको दबा के रखना है आपको. और अब आप चेक करिए, इट गोज अप टू 20, है ना, इजीली विजिबल. राइट, इट्स अ स्मॉल एक्टिविटी विच विल डेमोन्स्ट्रेट द बॉयल्स लॉ वेरी इजीली. होपफुली आपको ये समझ में आ गया. नाउ वन मोर थिंग दैट वी कैन डू टू अंडरस्टैंड चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ सेज दैट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इफ यू ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, देन द वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज. राइट, सो आई टेक वन मोर बलून एंड Let us try to understand. अभी ये मैंने एक नॉर्मल एक बॉटल ले लिया है, आपकी जो प्लास्टिक PET बॉटल्स आती है, पेट बॉटल्स, ओके. और इसको मैं क्या करने वाला हूँ, अभी थोड़ा सा इसको मैं गर्म करने वाला हूँ, ठीक है. लेकिन बहुत केयरफुली करना है आपको, अंडर ऑब्जर्वेशन करो, नहीं तो घर पे मम्मी आपको तो डांट देगी, हमको भी ले लेगी साथ में, ठीक है. एकदम अंदर मत डाल देना, तो पिघल जाएगा, सब खराब कर दोगे. तो आप ना करो तो ये अच्छे से देख लो यहाँ पर, ओके. तो इसको मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा गर्म हम लोग कर रहे हैं, बराबर. एकदम उसको फायर के अंदर नहीं डालेंगे. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर. See, see, carefully. Observe carefully. What is the change that you are able to see? There's a lot of air at my home, so look at this, that's so beautiful, isn't it? So आपने देखा ये grow हो गया, मतलब अंदर की air जब expand हुई तो उसको जगह नहीं मिला. इसके लिए उसने क्या किया, balloon को थोड़ा सा blow कर दिया, ठीक है. अभी इसी को मैं थोड़ा सा ठंडा होने देता हूँ. alright, यहाँ के अब room temperature के अंदर जैसे ही आ जाता है, पहले वो fire के नजदीक था, अंदर की एयर एक्सपांड होने लगी. और अभी जैसे जैसे टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है, बराबर है, टेम्परेचर ठंडा होते जा रहा है, आप देखोगे कि ये वापस से जो बलून पूरा ग्रो हुआ था वापस से बैठ जाएगा. ऑलराइट, सो दैट्स दी यू नो ब्यूटीफुल इवेंट्स दी एक्सप्लेनेशन फॉर दी चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में एक सिंपल सी एक्टिविटी आप ऐसा भी कर सकते, अगर समझो नहाने का गर्म पानी आपने रखा हुआ है, ठीक है, या गीजर से आपने जो भी गर्म पानी निकाला है, जैसा भी हो, तो अभी ये देखो ये जो बॉटल है पूरा स्क्रम्बल्ड है. एक तरीका तो उसका ऐसा होता है कि मैं उसको नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होएगा. बट अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स को चेंज किए बिना अगर वॉल्यूम चेंज करना है तो व्हाट विल यू डू. आप इसको थोड़ा सा स्क्रम्बल कर दीजिए, बटन ढक्कन उसका ढक दीजिए, ना तो वॉल्यूम इनसाइड इज कॉन्स्टेंट, बराबर है. तो अभी आप क्या करो, इसको गर्म पानी में डालो एंड यू विल सी दैट इट विल एक्सपैंड, एयर इनसाइड विल एक्सपैंड और आपको जो बॉटल है वापस रीसाइज हो जाएगा. लेकिन वापस अगर आप ठंडे पानी में डालोगे तो फिर से वो कॉम्प्रेस हो जाएगा. दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व. सो होप यू लाइक द एक्टिविटी. दैट्स इट, दिस बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ एक्टिविटी हमने कर ली. अगले वीडियो में फिर एक बार मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे
गेलू सेक्स लॉ के बारे में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।